हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल सॉल्यूशन GSEB। फ्रेंड्स, आ वीडियो में आपणे गुजरात बोर्ड में एटले के GSEB में धोरण 12 विषय अंग्रेजी में मोस्ट IMP एवा SS एटले के पेरेग्राफ राइटिंग विषे डिस्कस करीशुं। फ्रेंड्स, पहला तो ए जोईए के एवा क्या मोस्ट IMP SS छे जे एग्जाम माटे IMP कही शकाय। फर्स्ट, साइंटिफिक एटीट्यूड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सुपरस्टिशंस इवन टूडे, माई फेवरेट कार्टून सीरीज, माई एम्बिशन इन लाइफ, सेव ट्रीज, ट्रीज सेव। देन ग्लोबल वार्मिंग, प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर एजुकेशन, द ग्रेट मैन आई एडमायर, बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। फ्रेंड्स, GSEB गुजरात बोर्ड में मोस्टली टेक्स्ट बेस्ड एले के पाठ्यपुस्तक आधारित पेरेग्राफ राइटिंग ज IMP रहे छे। तो चलो पाठ्यपुस्तक आधारित एवं एक पेरेग्राफ राइटिंग साइंटिफिक एटीट्यूड विषे बात करिए। साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक अभिगम। I always notice that more than hard work, we believe in magic or superstitions to get our complete. We all wish and approach in unscientific way. If our business fell, we blame it on the gods. If we do not win, we put it down to bad luck. All this is because we do not have a scientific attitude. We all believe इन फेरीज एंड एंजल्स। अपने बधा जोईए छी के घणा लोको सखत मेहनत करवाने बदले कोई जादू के अंधश्रद्धामां मानता होय छे। आपणा बधानी धारणा अने अभिगम अवैज्ञानिक होय छे। जो आपणे कोई निष्फळता मळे तो आपणे तेनो आरोप भगवान पर मुकता होईए छीए। जो आपणे जीतीए नहीं तो आपणे बधो दोष आपणा नसीब पर छोड़ीए छीए। आवुं बधुं बने छे कारण के अपना बधानो अभिगम अवैज्ञानिक छे। हजी पण घणा लोको परियोमा अने भगवाने मोकलेला दूतमा मानता होय छे। इन साइंटिफिक एटीट्यूड, वी मस्ट हैव फेथ ओनली इन अवर राइट एफर्ट्स और इन अवर हैंड। वी मस्ट डू नो डू बेस्ट इन वॉट एवर फील्ड वी वर्क। समवन सेड दैट बी द बेस्ट, इफ यू कांट बी अ पाइन बी अ बस। मतलब के वैज्ञानिक अभिगम में अपने बधाने अपना साचा प्रयत्नों में अने अपना हाथ ऊपर विश्वास होवो जोईए। अपने बधाए जे कहीं पण क्षेत्र में अपने कार्य करता होइए एमा अपना थी बनतु बधु ज करवु जोईए। एटले ज कोई एक के कह्युं छे के बी ध बेस्ट, मतलब के सर्वश्रेष्ठ बनो। जो तमे पाइन नामनું મોટું વૃક્ષ ના બની શકતા હો તો બી અ બશ, મતલબ કે એક ઝાડી બનો, એક ઝાખરું બનો। વી ઓલ મસ્ટ ઇન્વોલ્વ અવર સેલ્સ ઇન પ્રોપર એક્શન, વી મસ્ટ ટેક ધ હેલ્પ ઓફ ધોઝ હુ આર એક્સપિરિયન્સ્ડ, વી મસ્ટ ગેટ મોર ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ નોલેજ ઓફ અવર ફિલ્ડ, મોર એવર વી શુડ નોટ બિલીવ ઇન સુપરસ્ટિશન્સ। આપણે આપણી જાતને યોગ્ય કાર્યમાં જોડવી જોઈએ। આપણે બધાએ એવા વ્યક્તિઓની મદદ લેવી જોઈએ કે જે લોકો અનુભવી છે। આપણે જે કોઈ કાર્યક્ષેત્રમાં કામ કરતા હોઈએ તેનું યોગ્ય માર્ગદર્શન અને માહિતી મેળવવી જોઈએ। વધુમાં આપણે અંધશ્રદ્ધામાં ન માનવું જોઈએ। વન હુ હેઝ અ સાયન્ટિફિક એટીટ્યુડ ઓલવેઝ હેવ રીઝન્સ, uses logical arguments and thinks in a scientific manner। એ વ્યક્તિ કે જેનામાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ છે તેની પાસે હંમેશા કારણ હશે। તે હંમેશા બૌદ્ધિક ચર્ચા કરશે અને વૈજ્ઞાનિક રીતે વિચારશે। સો ફ્રેન્ડ્સ, પેરેગ્રાફ અને વિડિયો કેવા લાગ્યા તે કોમેન્ટમાં જરૂરને જરૂર જણાવશો અને ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રોને વધુને વધુ શેર કરજો।